बाबा के भभूत चंदन चीज है गजब। हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं हूं आपका भाई अखिलेश कुमार महतो। दोस्तों आज हम लोग सावन का स्पेशल वीडियो एडिटिंग करने वाला है। दोस्तों वीडियो को देख के तो मालूम ही चल ही गया किस टाइप का मैं इस वीडियो को एडिटिंग किया हूं। देख लीजिए दोस्तों, मैं काइन मास्टर से मैं इसको एडिटिंग करने वाला हूं। दोस्तों कैसे किया हूं, इस वीडियो को कैसे किया जाता है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताएंगे काइन मास्टर से। आप वीडियो में कंटिन्यू बना रही, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो देखते हैं आप लोग शेयर नहीं करते हैं, नए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसा ही वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ इस चैनल पे। में जितना मटेरियल लगे उसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इजी डाउनलोडिंग कर सकते हैं। आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोडिंग कर लीजिए। बेडाउट ऑटो मार्क वाला चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं लिंक भेज दूँगा, वहाँ से ईजी डाउनलोडिंग कर सकते हैं। बिना देरी के वीडियो के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं काइन मास्टर को ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पे दिया गया है न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट पर आप क्लिक करिएगा। यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, इस पर टच करिएगा। यहाँ पर टच करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है तो रील वीडियो के लिए 9x16 का साइज चाहिए। यहाँ पे दोस्तों ये वाला साइज आपको चाहिए, ये वाला 9x16 वाला साइज आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ से 9x16 का साइज यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, गैलरी आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, इमेज एक्सेस पर जाना है। इमेज एक्सेस पर जाने पर एक वाइट कलर का ले लेना है, यहाँ पे कोई सा कलर आपको जो अच्छा लगे यहाँ पे एक ले लेना है। बैकग्राउंड में इसको 15 सेकेंड कर देना है, इसका लेंथ वीडियो का 15 सेकेंड कर देना है। 15 सेकेंड करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, लेयर का ऑप्शन में जाइएगा। यहाँ पे लेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों लेयर का ऑप्शन दिया हुआ है। लेयर का ऑप्शन में जाइएगा, उसके बाद मीडिया फाइल खुल के आ जाएगा। यहाँ पे मीडिया दिया हुआ है, मीडिया फाइल पर जाने के बाद आपको क्या करना है, पहले एक सॉन्ग ले लीजिएगा जो सॉन्ग पर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं। चलिए मैं वो सॉन्ग डाउनलोडिंग करके रखा हूँ, वो सॉन्ग पहले यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ दोस्तों। वो मेरा सॉन्ग यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आने के बाद हो गया। इसका सॉन्ग निकालने के लिए हमको क्या करना है दोस्तों, नीचे में आना है, स्क्रॉल करके भगाइएगा। यहाँ पे एक स्टार आईडियो का ऑप्शन है, इस पर टच कर दीजिए। टच करने के बाद इस वीडियो को यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा, यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा वीडियो को, यहाँ से क्लिक करिएगा। इस पर वीडियो डिलीट हो जाएगा, आपका सॉन्ग इसमें सेव हो जाएगा। यहाँ से मैं सुना रहा हूँ, सेव हो गया। उसके बाद क्या करना है, लेयर का ऑप्शन में जाना है। फिर यहाँ पे लेयर का ऑप्शन है दोस्तों, सेम वैसे ही करना है। मीडिया फाइल में जाने के बाद आपको जो फ़ोटो आप डाउनलोडिंग करके रखे होंगे भोलेनाथ को वाला फ़ोटो है वो यहाँ पे ऐड कर लेना है। चलिए मैं भोले बाबा को फ़ोटो एक ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। चलिए यहाँ पे एक फ़ोटो ऐड कर लिया, यहाँ पे ऐड कर लिया दोस्तों। यहाँ पे ऐड करने के बाद हमको क्या करना है, फ़ोटो को लेंथ को जितना बड़ा आपका वीडियो का लेंथ होगा ये 15 सेकेंड फ़ोटो को भी कर लेना है। फ़ोटो को करने के बाद आपको क्या करना है, चाबी का आइकन यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे चाबी एक दिख रहा होगा यहाँ पे साइड में, चाबी पर क्लिक करिएगा। चाबी पर क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है 7 सेकेंड पे, इधर है 7 सेकेंड के आसपास में आधा वीडियो में आ जाना है। आधा में आने के बाद आपको तो थोड़ा सा फिंगर को बड़ा करके इधर में फ़ोटो को कर देना है साइड में, इतना पर कर देना है। उसके बाद एक बार टच करिएगा, बैक हो जाएंगे। बैक हो जाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, फिर इस पे जाइएगा चाबी पे। चाबी पे जाने के बाद आपको फिर आगे जा चल जाना है। फिर लास्ट में जाने के बाद आपको फिर क्या करना है दोस्तों, इस फ़ोटो को इस साइड में लेके आइएगा। फिर लास्ट में जाइएगा, उसके बाद फ़ोटो को इधर लेके आइएगा, इधर में इतना पर लेके कर दीजिएगा। करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, फिर जाना है लेयर का ऑप्शन में, मीडिया फाइल में जाके एक पेड़ का फ़ोटो PNG डाउनलोड कर लीजिएगा। गूगल पर इजी मिल जाएगा, आप वहाँ से इजी डाउनलोडिंग कर सकते हैं। इसको मैं 12 कर देता हूँ, आपको फुल स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आसान होगा एडिटिंग करने में। इसको यहाँ पे 12 कर देंगे गाइज। मेरा फ़ोटो इधर जा रहा है तो हमको पौधा को इधर करना होगा। क्या करेंगे, इस फोटो को हमको 7 सेकेंड कर लेना है। चलिए 7 सेकेंड हो गया फ़ोटो मेरा, फ़ोटो को मैं फ़ोटो पर टच करेंगे, यहाँ दिया हुआ चाबी का आइकन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे लास्ट में जाना है फ़ोटो का, इसको इधर कर देना है,
इधर कर दीजिएगा। इधर करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, फिर यहाँ पे आपका ऐसा दिखेगा, देखिए दोस्तों फोटो इधर निकलेगा। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, फिर यहाँ जहाँ से ये फोटो लगाए हुए हैं यहाँ पे क्या करिएगा, फिर लेयर का ऑप्शन में जाइएगा, मीडिया फाइल में जाकर फिर यही पेड़ का फोटो आप ले लीजिएगा। लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको इसको भी बड़ा कर लीजिए। बड़ा करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इतना बड़ा कर लीजिएगा, इसको यहाँ पे कर दीजिएगा। यहाँ पे करने के बाद इस शुरू में आ जाइएगा, चाबी पर क्लिक करिएगा, फिर लास्ट में लास्ट फोटो का पहले साइज बढ़ा देते हैं, चाबी पर क्लिक करिएगा, लास्ट में आ जाइएगा। लास्ट में आ जाने के पैर को इधर कर दीजिएगा, इधर में करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे नीचे में एक लगाना है फूल का फोटो, तो आपको क्या करना है, लेयर का ऑप्शन में जाकर फिर मीडिया फाइल में से वो फूल वाला फोटो यहाँ पे ऐड कर लीजिए। इधर थोड़ा इतना बड़ा कर लीजिएगा। बड़ा करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है क्रोमा की का ऑप्शन में, यहाँ पे क्रोमा की का ऑप्शन में आ जाना है। इसको आ जाने के बाद यहाँ इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद इस पर क्या करिएगा, वाइट वाला कलर सेलेक्ट कर लीजिएगा। वाइट वाला कलर सेलेक्ट करके यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरह से, यहाँ से एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करने के बाद आप उसको इसको बढ़ाकर लास्ट में कर दीजिएगा, आपका वीडियो बन के तैयार हो जाएगा दोस्तों। इसको सेव करने के लिए कोने में दिया गया तीर का ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, इसको पूरा हाई क्वालिटी कर दीजिएगा, यहाँ से 720 में यहाँ से सेव कर लीजिएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम।